हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। जीतने का मनोविज्ञान सारांश। जीतने का मनोविज्ञान सारांश कुल विजेता के 10 गुण। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग वास्तव में जीवन में सफल हुए हैं वे एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं? और थोड़ा ही नहीं, क्या हम जोड़ सकते हैं? चाहे आप किसी सफल टीवी शो होस्ट की बात सुन रहे हो, किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी या गोल्फ खिलाड़ी की, किसी प्रसिद्ध सीईओ या किसी प्रसिद्ध स्वयं सहायता प्रशिक्षक की, कुछ विशेषताएं उनके चरित्र में अंतर्निहित प्रतीत होती हैं। डेनिस वेटली द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग में इस प्रकार की 10 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को निकालते हैं और बताते हैं कि आप उन्हें कैसे साफ सुथरे, समझने योग्य तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और हम यहाँ उन्हें और भी साफ सुथरे और अधिक पठनीय तरीके से सारांशित करने के लिए हैं। लेकिन सबसे पहले, जीतने का मनोविज्ञान किसे पढ़ना चाहिए और क्यों? जैसा कि हमारी वेबसाइट पर कई अन्य पुस्तकों के मामले में है, व्यावहारिक रूप से हर कोई जीतने का मनोविज्ञान सफलता की 10 चरणों वाली सड़क और विजेता बनने का 10 चरणों वाला कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में, ये बिल्कुल वही है जिसकी आपको आवश्यकता है यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने चारों ओर चल रही दौड़ में थोड़ा पीछे हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली के बारे में। डेनिस वेटली डेनिसी वेटली एक अमेरिकी लेखक, सलाहकार और हॉल ऑफ फेम प्रेरक वक्ता है। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें सीड्स ऑफ ग्रेटनेस, द विनर्स एज लिखी है और अपने कार्यों के लाखों ऑडियो संस्करण बेचे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और राष्ट्रपतियों, सीईओ और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के सलाहकार, प्रेरक वक्ताओं की दुनिया में वेटली की स्थिति किसी महान से कम नहीं है। जीतने का मनोविज्ञान सारांश। बस पुस्तक के उपशीर्षक को देखें, कुल विजेता के 10 गुण। अब एक सरल विचार अभ्यास। आपके विचार में वेटली की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? यदि आपने 10 के अलावा कुछ और उत्तर दिया है तो आप वास्तव में अनुसरण नहीं कर रहे हैं और आपको अभी से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह संख्या बहुत छोटी है। यह 18, 59 या 12 भी हो सकती थी। संख्या का सार ही वास्तव में मायने रखता है और हम इस पर गहराई से विचार करने वाले हैं। तो तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम तुरंत उड़ान भर रहे हैं। आप इसे सामग्री को देखकर ही बता सकते हैं। जीत का मनोविज्ञान सकारात्मकता का मनोविज्ञान और आत्म प्रतिबिंब का मनोविज्ञान है, और यह सब सकारात्मक आत्म प्रक्षेपण से शुरू होता है। वेटली के अनुसार, और उन्हें पता होना चाहिए, नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष यात्री नहीं बन पाते अगर उन्होंने हर समय इसके बारे में सपना नहीं देखा होता, और ओ.जे. सिम्पसन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होता अगर उसने बचपन में ही एक गंभीर बीमारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होता। ये वह जगह नहीं है जहां आप शुरू करते हैं, ये वह जगह है जहां आप समाप्त करते हैं। आत्म प्रक्षेपण सकारात्मक जीवन शैली की ओर पहला कदम है। यदि आपका आत्म सम्मान कम है तो आप कुछ नहीं बन सकते। यदि आप आलसी हैं तो आप कभी भी अपने आप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यदि आप धूम्रपान या शराब पी रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अगले जॉर्डन नहीं बनने जा रहे हैं। एजेंडे में अगला, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना। लेकिन आप पूछते हैं, वास्तव में ये कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण, आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण। आपको सबूत की आवश्यकता है। विक्टर फ्रैंकल, एक होलोकॉस्ट उत्तरजीवी और मनोवैज्ञानिक, ने देखा कि एकाग्रता शिविरों से बचने वाले कई लोगों के जीवन में कुछ निश्चित लक्ष्य थे। आशा की किरण। वे जानते थे कि वे क्यों जी रहे थे और परिणाम स्वरूप उन्हें क्यों जीवित रहना चाहिए। वे लोग जिन्होंने बुराई के खिलाफ भीषण लड़ाई में बहुत पहले हार नहीं मानी, और अगर लक्ष्यों को परिभाषित करने से ऐसी असाधारण निराशाजनक परिस्थितियों में किसी को मदद मिल सकती है, तो जरा सोचिए कि यह आपके लिए कितना कर सकता है। क्योंकि लक्ष्य प्रेरित करते हैं, और वे आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जो विजेताओं का एक और गुण है। जब किसी बाधा को दूर करने और अपनी वादा की गई भूमि की ओर अगला कदम उठाने की आवश्यकता होती है, तो वे संकोच नहीं करते हैं, और वे कभी नहीं कहते कि मैं ये करूंगा और देखता हूँ क्या होता है। नहीं, इसके विपरीत, वे ठीक ठीक जानते हैं कि वे कुछ क्यों कर रहे हैं और वे कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, वे कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलते। वे जानते हैं कि वे कहाँ हैं और कहाँ रहना चाहते हैं, और जब कोई बाधा आती है तो वे एक कदम भी पीछे नहीं हटते, वे अनुकूलन कर लेते हैं। अनुकूलन एक विकासवादी गुण है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे, आप, मैं आदि, वे यहाँ तक इसलिए पहुँचे क्योंकि उनके पूर्वज अनुकूलन करने में सक्षम थे। इसलिए यदि आप भविष्य में अगला कदम उठाना चाहते हैं तो आपको ये तकनीक भी सीखनी चाहिए, और आपको आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही अंततः विजेता और हारने वाले के बीच अंतर पैदा करता है। लेकिन आप अधिक आत्मविश्वासी कैसे बने?
दो शब्द सकारात्मक आत्मचर्चा अब से आपके शब्दकोश में मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता के बराबर है और मैं इसके बारे में सोचूंगा के बजाय मैं आगे देख रहा हूँ कहना चाहिए। इसी तरह विजेता बनते हैं। अपने आप को एक बनाओ। जीतने का मनोविज्ञान से मुख्य सबक। एक, जीतना सकारात्मकता और आत्मचिंतन के बारे में है। दो, विजेता का जीवन उद्देश्य संचालित जीवन है। तीन, महानता के लिए स्वयं को अनुशासित करें। जीतना सकारात्मकता और आत्मचिंतन के बारे में है। यदि आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आप जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप भी सफल नहीं होंगे यदि आप खुद को लगातार अपने चारों ओर देखना और यह पता लगाना नहीं सिखाते कि आप कहाँ हैं और कल आप कहाँ होना चाहेंगे। सकारात्मक होने से अपने आप काम नहीं चलेगा। यदि केवल सकारात्मक है तो वास्तव में अपनी प्रतिभा की वर्तमान स्थिति और जिस स्तर का आप सपना देखते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास के बारे में विचार न करना आपको अगले फ्लोरेंस फोस्टर जेनकिंस में बदल सकता है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? एक विजेता का जीवन उद्देश्य प्रेरित जीवन है। विजेताओं के जीवन में एक उद्देश्य होता है और वे इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई भी काम करते हैं। कोई उद्देश्य न होना काफी हद तक ये न जानने जैसा है कि मैराथन दौड़ शुरू करने के बाद कोई फिनिश लाइन है या नहीं। क्या आप सचमुच दौड़ते रहना पसंद करेंगे? महानता के लिए स्वयं को अनुशासित करें। विजेताओं में अच्छी और स्वस्थ आदतें होती हैं और यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, यदि आप अपने अतीत और भविष्य के कार्यों के बारे में चिंतन करते हैं और यदि आपके पास हमेशा एक उद्देश्य होता है तो आप भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको कुछ आत्म अनुशासन की भी आवश्यकता है। इसका अर्थ है अपने पद के प्रति प्रतिबद्ध रहना। आप आसानी से इससे दूर हो सकते हैं। जीतना हमेशा हार मानने से कहीं अधिक कठिन होता है। जब प्रलोभन अनिवार्य रूप से आए तो आत्म अनुशासन आपको उनसे लड़ने में मदद करेगा। ये सारांश पसंद आया। अधिक अद्भुत सारांशों और ऑडियो पुस्तकों के लिए हम आपको हमारा निःशुल्क 12 मिनट का ऐप डाउनलोड करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। जीतने का मनोविज्ञान उद्धरण। आप या तो अपने विचारों के कप्तान हैं या फिर उनके बंदी। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। योग्यता नहीं, दृष्टिकोण ही सफलता की कसौटी है। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। जीतना चौथे स्थान पर आना है, थके हुए और उत्साहित होकर, क्योंकि पिछली बार आप 5वें स्थान पर आए थे। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। आपके द्वारा निर्धारित दैनिक और साप्ताहिक दिनचर्या को तोड़े, उस आरामदायक रास्ते से बाहर निकलो। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। इस पल को अपने बारे में सच्चाई का पल बनाए। आप अपनी पूरी जिंदगी में कमतर आंकते रहे हैं। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। हमारी आलोचनात्मक समीक्षा। जीतने का मनोविज्ञान पहली बार 1979 में प्रकाशित हुआ था। लगभग 40 साल बाद यह अभी भी बेस्ट सेलर है। ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है और स्व सहायता पुस्तकों की भीड़ के बीच किसी भी शब्द की तुलना में कहीं अधिक जोर से एक सिफारिश की जा रही है। दूसरे शब्दों में चार्ल्स पॉल कॉन के साथ डेनिस वेटली को प्रेरक वक्ता के बीच एक हैवीवेट कहना एक खामोशी होगी, क्योंकि वह एक चैंपियन हैवीवेट है, व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। और अगर कोई एक किताब है जो उन्होंने लिखी है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जीत का मनोविज्ञान, निश्चित रूप से वह है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।